नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। और मध्य प्रदेश के विदिशा में लंबे समय से अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर संघर्षरत विदिशा जिले के सभी स्कूलों के अतिथि शिक्षकों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपनी वेदना प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताई है। अतिथि शिक्षकों में ऐसे कई अतिथि शिक्षक लगभग 14 या 15 वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में समर्पित भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मामूली मानदेय पर उन्हें अपना गुजारा करना पड़ रहा है। सभी अतिथि शिक्षकों ने आजाद अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, उनको विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाए। अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि यदि 10 दिनों में हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो भोपाल में विशाल आंदोलन के लिए संगठन विवश हो जाएगा। अतिथि शिक्षक संघ के शैलेंद्र सक्सेना ने बताया कि संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी वर्गों के प्रति, सभी विभागों के अस्थायी कर्मचारियों के प्रति, संविदा कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है एवं उनके पक्ष में घोषणाएं की है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के मुखिया को अतिथि शिक्षकों एवं उनके परिवारों का नाम के बारे में विचार करना चाहिए तथा उन्हें न्याय देना चाहिए। विदिशा से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। पूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश स्कूल आज भी अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं और बच्चों ने जो रिजल्ट दिया है उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत हम अतिथि शिक्षक भाई बहनों की है। हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है, आपकी संवेदनशीलता जग जाहिर है। आपने सभी विभागों के प्रति अनेक लाभकारी घोषणाएं की हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपका आभार मानते हैं। लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि हम सभी अतिथि शिक्षक भाई बहनों का भविष्य भी सुरक्षित कीजिए। अगर योग्यता और अयोग्यता की बात आती है तो हम पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ विभागीय। इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।